द अनएक्सप्लेन मिस्ट्री हिंदी में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, कई बार राह चलते हमारा सामना किसी ऐसे इंसान या शक्ति से हो सकता है जिसके बारे में सोचते ही हमारी रूह कांप जाए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। आज की जो कहानी या फिर कह लीजिए सच्ची घटना के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो काफ़ी डिस्टर्बिंग है और अगर आपका दिल कमज़ोर है तो आप इस वीडियो को आगे मत देखिए। इस घटना के बारे में मुझे मेरे दोस्त ने बताया था। ये बात है 2005 या 6 की और ये घटना मेरे दोस्त के साथ घटी थी कोलकाता में। 2005 में कोलकाता शहर में नया EM बाईपास रोड बना था और उस वक्त ओला या उबर कैब सर्विस शुरू नहीं हुई थी। उन दिनों पूल कार या प्राइवेट गाड़ी को भाड़े पे चलाना बहुत ही पॉपुलर था। प्राइवेट गाड़ी के बिजनेस में उन दिनों काफ़ी पैसा था। मुझे जिसने इस घटना के बारे में बताया था वो खुद भी एक प्राइवेट गाड़ी चलाता था। उसका नाम समीर है। समीर को किसी फैमिली में शादी के बारातियों को स्टेशन से बैंक्वेट हॉल और बैंक्वेट हॉल से घर वापस स्टेशन तक छोड़ने का काम मिला था। शादी की सारी रस्में ख़त्म हो गई थी और सभी बारातियों को समीर स्टेशन तक छोड़ आया था। सर्दी का मौसम था और चारों तरफ सिर्फ कोहरा ही कोहरा था। तब रात के 1:30 बज रहे थे, बाहर से ठंडी हवा आ रही थी तो समीर ने गाड़ी के शीशे ऊपर कर लिए। EM बाईपास रोड इस टाइम पर बिल्कुल सुनसान था और रोड खाली होने के कारण समीर भी लगभग 100 की स्पीड पर गाड़ी को चलाने लगा। गाड़ी ऐसे ही कुछ वक्त तक चली कि इतने में समीर ने देखा एक सरकारी बस काफ़ी तेज़ी से उसके पीछे आ रही है। इतनी रात को सरकारी बस को इस खाली रोड पर चलता देख समीर बहुत हैरान हुआ। उसे ये बात पता थी कि ये सरकारी बसें रात के 10 या 10:30 बजे तक बंद हो जाती है, फिर ये बस कहाँ से आई? बस या गाड़ी का मेंटेनेंस भी इतनी रात को कौन करेगा? समीर ये सारी बातें सोच ही रहा था कि उस वक्त बस के चालक ने स्पीड बढ़ा ली और वो बस समीर के गाड़ी के बिल्कुल बराबर चलने लगी। ये बहुत ही चौंका देने वाली बात थी कि एक सरकारी बस 100 से ऊपर स्पीड पर कैसे चल रही थी। समीर ने अपनी गाड़ी की रफ्तार थोड़ी कम की और बस ने उसकी गाड़ी को ओवरटेक कर लिया। समीर ने थोड़ी दूरी पर रोड के किनारे एक औरत को अपने बच्चे के साथ खड़ा हुआ देखा। उसको ये बात बहुत ही अजीब लग रही थी कि इस सुनसान सड़क पर आधी रात को एक औरत और बच्चा आखिर क्या कर रहे थे। उस औरत ने अपना हाथ हिलाकर उस सरकारी बस को रोकने की कोशिश की। बस बहुत तेज़ी से चल रही थी और फिर अचानक बस से कुछ टकराने की आवाज़ आई। समीर ने देखा बस ने फुल स्पीड में बहुत ज़ोर से उस औरत और बच्चे को कुचल दिया। वो दृश्य इतना भयावह था कि समीर चीख पड़ा और धीरे धीरे उस एक्सीडेंट स्पॉट की ओर गाड़ी को ले जाने लगा। उसने देखा रोड पर उस औरत और बच्चे की लाशें पड़ी हुई है और दोनों के सर बुरी तरह से पिस चुके हैं। उस जगह रोड पर सिर्फ खून ही खून था। समीर ने सोचा यहाँ पर गाड़ी नहीं रोकूंगा, नहीं तो पुलिस वाले ये मान लेंगे कि एक्सीडेंट मेरी गाड़ी से हुई है। यही सोचते सोचते उसके मन में जिज्ञासा हुई कि एक बार चलकर इस दुर्घटना का जायज़ा ले लिया जाए। जब गाड़ी एक्सीडेंट स्पॉट पर पहुंची, तो समीर ने देखा वहां पर कुछ भी नहीं है, ना ही वहां पर लाशें हैं और ना ही कोई खून। समीर ने वहां पर अपनी गाड़ी रोकी और शीशे को नीचे करते हुए दाएं बाएं आगे पीछे हर तरफ देखा, पर रोड पर कोई भी लाश नहीं थी। क्योंकि समीर को रात के टाइम गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस था तो वो जल्दी इस बात को समझ गया कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। उसने जल्दी गाड़ी का शीशा ऊपर किया और गाड़ी को स्टार्ट करने लगा। एकदम से समीर के कंधे पर किसी ने हाथ रखा और हाथ रखते ही पीछे से एक औरत की कांपती हुई आवाज़ आई, मुझे हॉस्पिटल ले चलो। समीर ने गाड़ी के मिरर में देखा एक औरत बैठी हुई है जिसका गर्दन
और सर पीछे की ओर मुड़ चुका है और साथ में एक छोटा सा बच्चा भी है जिसका सर फूट चुका था। खून बहते ही जा रहा था और पूरी गाड़ी का सीट खून से लथपथ हो चुका था। समीर ने कांपते हुए हाथों से स्टीयरिंग व्हील को संभाला और हॉस्पिटल की ओर गाड़ी को ले चला। रात के तब 2 बज चुके थे और सड़क बिल्कुल सुनसान थी। कुछ देर ऐसे ही गाड़ी चली और फिर हॉस्पिटल के सामने समीर ने गाड़ी को रोका। वो पीछे मुड़ा तो देखा गाड़ी में कोई भी नहीं था, ना ही सीट पर खून था और ना ही उस औरत और बच्चे का कोई भी नामो निशान था। समीर की तबीयत खराब होने लगी और वो जल्दी गाड़ी को भगाकर घर तक ले गया। उस दिन के इस दिल दहला देने वाले अनुभव के बाद उसने कभी भी रात को अपनी गाड़ी नहीं रोकी। अगर आपको ऐसी अद्भुत और रहस्यमयी कहानियाँ पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। आप अपनी कहानी भेज सकते हैं हमारे इस ईमेल एड्रेस पर unexplainedmystery.hindi@gmail.com। जल्द ही फिर मुलाकात होगी एक और अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए अलविदा एंड टेक केयर।